हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे 2 HP 1440 RPM सिंगल फेस 4 पोल का 36 लॉट का मोटर, इंडक्शन मोटर, जिसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो वीडियो में बने रहे, पहले हम डायग्राम द्वारा समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे कनेक्शन होता है। तो ये हमारा 4 क्वाल रनिंग का हो गया, 1 क्वाल, 2 क्वाल, 3 क्वाल, 4 क्वाल, और 4 क्वाल हमारे स्टार्टिंग का होगा, 1 क्वाल, 2 क्वाल, 3 क्वाल, 4 क्वाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कनेक्शन। ये हमारा शुरू वाला हो गया, हमारा ये लीड वायर हो गया जिससे हम रनिंग का लीड निकालेंगे, और ये हमारा इसका, हम इसको बोलते हैं टॉप, ये इनर वायर है जिसको हम बोलते हैं टॉप, और ये आउटर वायर है जिसको हम बोलते हैं बॉटम, और इसका ये इनर वायर है और इसका ये आउटर वायर है, ये इसका इनर वायर है और इसका आउटर वायर है, ये इसका इनर वायर है और ये आउटर वायर है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ से चालू करेंगे तो इधर से आना पड़ेगा, तो यहाँ से चालू करते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसको लीड निकाल लेते हैं, ये हमारा लीड हो गया, ठीक है, ये हो गया लीड। अब यहाँ से चालू करते हैं, ये हमारा टॉप हो गया और ये बॉटम, टॉप बोले तो टॉप बोलने से ये हमारा इनर वायर हो गया और बॉटम बोलने से आउटर वायर। तो मैं टॉप बॉटम में समझाता हूँ दोस्तों, ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है। तो ये पहला क्वाल का, ये दूसरा क्वाल, ये तीसरा क्वाल, चौथा क्वाल, ये पहला क्वाल, ये दूसरा क्वाल, ये तीसरा क्वाल, ये चौथा क्वाल, ठीक है। हमारा सिंगल फेस का 1440 RPM में 4 रनिंग का क्वाल रहता है और 4 स्टार्टिंग का क्वाल रहता है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कनेक्शन। ये हमारा टॉप को लीड छोड़ दिए हैं यहाँ पे, और इसका बॉटम को पकड़ते हैं, इसका बॉटम और दूसरे क्वाल का बॉटम के साथ ये जुड़ जाएगा, हो गया। अब फिर हम दूसरा क्वाल के टॉप को पकड़ेंगे, और ये क्रॉसिंग कर रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस का निशान है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जाएगा ये दूसरा का टॉप, जाएगा तीसरा का टॉप में, ठीक है, और तीसरा का टॉप बॉटम जाएगा हमारा चौथा का बॉटम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चौथा का टॉप निकलेगा यहाँ पे लीड, ये हमारा लीड हो गया, ठीक है। ये लीड 1 हो गया और ये लीड 2 हो गया, ये रनिंग का 2 लीड हमने निकाल दिया, ये पहला लीड, ये दूसरा लीड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम स्टार्टिंग का करते हैं, सेम ऐसी कनेक्शन करना है स्टार्टिंग का भी। ये भी हमारा टॉप है और ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो पहले हम यहाँ से चालू करते हैं, इसको हम लीड निकाल लेते हैं, ये लीड निकाल लेते हैं, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसका टॉप को लीड निकाल दिए हैं, और इसका बॉटम को पकड़ेंगे, और पहला का बॉटम को हम दूसरे के बॉटम में जोड़ देंगे, और दूसरे का टॉप को, दूसरा क्वाल का टॉप को हम ले जाएंगे दोस्तों तीसरा क्वाल का टॉप में, और तीसरा क्वाल का बॉटम को हम ले जाएंगे चौथा क्वाल के बॉटम में, ठीक है। और ये चौथा का हमारा टॉप निकलेगा लीड दोस्तों, ये लीड 2 हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग का लीड 1 हो गया, और स्टार्टिंग का लीड 2 हो गया। तो इस प्रकार से 1440 RPM का कनेक्शन हो गया दोस्तों। ये हमारा 4 वायर मान लो मोटर से निकल गया दोस्तों, देख सकते हैं, पहला रनिंग का 1 हो गया और स्टार्टिंग का 1 हो गया, और रनिंग का 2 हो गया, स्टार्टिंग का 2 हो गया, ठीक है। और ये हमारा रनिंग का 20 MFD का कैपेसिटर है, मान लो MFD 20 MFD का ही लगता है ज़्यादातर इसमें, और इसमें हमारा कैपेसिटर है 200.250 MFD, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, यानी कि इसको क्लच प्लेट भी बोलते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं। तो कैसे कनेक्शन होता है देखते हैं दोस्तों।
ये हमारा रनिंग का पहला वायर चला जाएगा रनिंग कैपेसिटर में, ठीक है, रनिंग कैपेसिटर में चला गया। और स्टार्टिंग का दूसरा वायर भी चला जाएगा हमारा रनिंग कैपेसिटर में, इसको डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का ये और ये हमारा ये दो पॉइंट बच गया, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, इसको हम कॉमन भी बोल सकते हैं और न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हैं। इसमें एक लाइन को हमें डायरेक्ट देना है, फेस हो चाहे न्यूट्रल हो, उसको फेस या न्यूट्रल को एक को हमें इसमें डायरेक्ट देना है, दोनों को आपस में शॉर्ट करके, और दूसरा वायर को हमारा रनिंग वायर में देना है, जो रनिंग का कैपेसिटर में लगाते हैं उसमें हमें फेस देना है। इसको लास्ट टाइम बताता हूँ दोस्तों, पहले इसका कनेक्शन कैसे होता देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा रनिंग का हो गया, अब स्टार्टिंग कैपेसिटर को कैसे करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का पहला वायर को हम क्या करेंगे, पहला वायर को ये हमारा क्रॉस हो रहा है दोस्तों, इसमें जोड़ रहा है, मत समझना, ये क्रॉस हो गया है और क्रॉस होके हमारे ये रनिंग वाला पॉइंट में इसी में जुड़ चुका है। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये हमारा पॉइंट जुड़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट जुड़ गया स्टार्टिंग का हमारा यहाँ पे, और हमारा दूसरा पॉइंट जाता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि क्लच प्लेट, ये हमारा क्लच प्लेट में आएगा पहला कैपेसिटर का, स्टार्टिंग कैपेसिटर का, और दूसरा वायर हमारा जाएगा यहाँ से होके ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वायर में जो मोटर से निकला रहता है वाला स्टार्टिंग पॉइंट में जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या रहता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये रहता है, जब हम मोटर को पहले लाइन देते हैं, चालू करते हैं, तो वो तुरंत स्पीड नहीं लेता है, घड़ाक से स्टार्ट नहीं होता है, स्लो में स्टार्ट होता है, उसको धक्का देना पड़ता है तभी वो रनिंग ले पाता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या काम करता है, यहाँ से ये टच होके मोटर जब लाइन जाता है तो घड़ाक से हल्का से आगे साइड धक्का देता है, फिर इसमें जो इस टाइप से रहता है, और ये हमारा दोनों मोटर धक्का देता है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे जाता है स्टार्टिंग में और स्टार्ट कर देता है मोटर को एकदम स्पीड में, और फिर रनिंग करने लगता है, ठीक है, बहुत ज़ोर से स्पीड में। और ये हमारा शॉर्ट नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट होगा लेकिन एकदम धीरे से, उसको हमें हाथ से धकेलना पड़ेगा तभी स्टार्ट होगा दोस्तों। और ये वाला क्लच अगर हमेशा शॉर्ट ही रहेगा ये वाला क्लच, तो जान जाना कि हमारा मोटर ज़्यादा एम्पियर लेगा, जैसे कि वो मैक्सिमम 12 एम्पियर लेता है लगभग, तो हमारा 12 एम्पियर से ज़्यादा लेगा वो, 20-25 के आसपास लेगा, 20 या 25 के आसपास लेगा, तो समझ जाना कि ये हमारा रनिंग और रनिंग का क्लच प्लेट शॉर्ट हो चुका है, यानी कि वो छोड़ नहीं रहा है। जब हमारा मोटर रनिंग हो जाता है, स्पीड ले लेता है, तो ये हमारा क्लच पॉइंट आपस में टच को छोड़ देता है, तो स्पीड हो जाता है और मोटर फुल स्पीड में चलने लगता है। और ये हमेशा 60 रहेगा दोस्तों, तो ये हमारा ज़्यादा एम्पियर लेके चलेगा, 20 से 25 एम्पियर, और मोटर जलने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकल समझते हैं दोस्तों। ये मैंने वाइंडिंग कर लिया है, अब पहले इसका स्टार्टिंग का सभी लीड को मैं अंदर कर लेता हूँ। यह 2 HP का 1440 RPM सिंगल फेस का मोटर है। अब ये देख सकते हैं, ये टॉप बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये इसका टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो चलो दोस्तों इसका कनेक्शन करते हैं। तो पहला कॉल का मैंने टॉप को लीड छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं, ये वाला टॉप है, ये दोनों टॉप है, इसको मैं लीड छोड़ूंगा दोनों को। तो मैंने पहला कॉल का टॉप को छोड़ दिया और ये बॉटम को पकड़ा हूँ, देख सकते हैं, ये पहले कॉल का बॉटम को पकड़ेंगे, इसको अच्छे से जोड़ देना है। मैं ब्लीचिंग करता हूँ इसलिए इसको छीला नहीं हूँ दोस्तों,
ब्लीचिंग करने से इसे छीलना नहीं पड़ता है, सोल्डिंग करते हैं इसलिए छीलना पड़ता है और जॉइंट करना पड़ता है। ये पहला जॉइंट हो चुका हमारा टॉप बॉटम टू बॉटम, और दूसरा का टॉप को पकड़ेंगे और दूसरा का टॉप को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, तीसरा का बॉटम को पकड़ना है और चौथा का बॉटम में जोड़ देना है। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा चौथा का बॉटम में जोड़ देना है और चौथा का टॉप और पहला का टॉप हमारा लीड निकल जाएगा। दोस्तों ये हमारा रनिंग का कनेक्शन कंप्लीट होता है और ये एक्स्ट्रा वायर को हम काट देते हैं। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हमारा स्टार्टिंग का भी कनेक्शन होगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लाता रहूँगा और डिफ़िकल्ट कनेक्शन को वीडियो के जरिए आपको बताता रहूँगा। और अब हम स्टार्टिंग का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये देख सकते हैं स्टार्टिंग का टोटल लीड अभी निकला है। कितना लीड निकलेगा, 4 क्वाल है तो 4 × 2 = 8 लीड निकलेगा दोस्तों, और 8 में का हमारा 2 लीड के लिए मेन लीड के लिए निकलेगा। तो ये हमारा टॉप है पहला क्वाल का देख सकते हैं, और ये बॉटम है पहला क्वाल का हमारा, जो मैं पकड़ा हूँ वो बॉटम है। और हमें क्या करना है, हमारे सामने वाला दूसरा क्वाल का बॉटम को जोड़ देना है स्टार्टिंग का। ये मैराथन का मोटर है 2 HP का। अगर आपको इसका डाटा चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी भी मोटर का डाटा चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम इसका टॉप को पकड़ते हैं दूसरा का, और तीसरा का टॉप को जोड़ देते हैं। अगर आपको किसी भी मोटर का कनेक्शन या कोई भी मोटर या कोई भी कुछ भी हो इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी पूछ सकते हैं। अब हमने तीसरा का टॉप को चौथे के नहीं नहीं सॉरी तीसरा का बॉटम को चौथे के बॉटम में जोड़ देना है। नया नया हूँ दोस्तों, इसलिए हमारा अभी बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, इसलिए गलती हो रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है दोस्तों। अब मैं लीड वायर इसमें जोड़ रहा हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग के लिए मैं लीड वायर जोड़ रहा हूँ 2.5 mm का ग्लास वाला। आप चाहें तो फिनोलेक्स का वायर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मैंने ग्लास वाला लीड वायर जोड़ रखा है इसमें 2.5 mm का स्टार्टिंग के लिए, और 4 mm का रनिंग के लिए लूँगा दोस्तों यूज़ के लिए लीड वायर। अगर आप भी मोटर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए दोस्तों। और रनिंग के लिए मैंने 4 mm का लीड वायर लिया है, और मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 4 mm का लीड वायर दोस्तों। यह मोटर ज़्यादातर गाँव देहात में धान धुकाई या फिर कृषि कार्य के लिए, घास काटने के लिए, या फिर बढ़ाई लोग भी किसी लकड़ी के चीज़ को कुंदरने या कुछ कुछ करने के लिए बहुत सारा यूज में लिया जाता है ये वाला मोटर को, या आटा चक्की, छोटा वाला आटा चक्की रहता है उसमें भी लगता है यह मोटर। ये मैंने रनिंग के लिए 4 mm का लीड वायर लिया है दोस्तों, और दोनों को जोड़ दिया हूँ। पहला जोड़ चुके हैं, अब ये दूसरा जोड़ रहा हूँ।
अगर आपको यह वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो हमें लाइक कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक। मैंने जोड़ चुका है, अब मैं इसको ब्लीजिंग करूँगा। देख सकते हैं सभी लीड को मैंने जोड़ लिया है, 4 लीड है, 2 रनिंग का है हमारा और 2 स्टार्टिंग का है। अब मैं इसको ब्लीजिंग करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो ब्लीजिंग करने के बाद देखिए इस प्रकार दिखता है हमारा लीड वायर। ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लीजिंग हो चुका है, ये बिल्कुल लूज नहीं होगा, एकदम मस्त टाइट हो चुका है। सोल्डिंग से भी बहुत अच्छा तगड़ा, जो वेल्डिंग करते हैं उसी प्रकार से तगड़ा हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसको टैपिंग करूँगा हमारा, देख लीजिए बहुत अच्छे से हो चुका है ब्लीचिंग। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे बने रहें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद।